नमस्कार, आज हम सुबह सुबह बहुत ही खुश हैं क्योंकि आज धूप नहीं है, हमें बहुत मजा आ रहा है। आज का मौसम यहाँ पे बहुत ही मजेदार है। ये क्या कर रहे हो दोनों? ये कौन सा स्टाइल है भाई पौधा उगाने का? इन दोनों को देख के ना मेरे को आशु बहन और मेरा बचपन याद आ गया। हम भी पहले ऐसी नाली में बैठ के खूब मजे करा करते थे। साफ सुथरे कीचड़ में भी खेलने का ना एक अलग ही मजा है। संदीप दूर खेत में खड़े हुए हम सबको देख रहे हैं। मेको को पता ही चला इसका लोअर पीछे से गीला भी हो चुका है। माओ तो भाग गई अपने कपड़े चेंज करने। नाश्ते में दलिया खा रही हूँ जो बच्चों को पसंद है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब हम सिटी में जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं माओ? शॉपिंग करने जा रहे हैं। आज हम माओ की ईयर पियर्सिंग कराने के लिए जा रहे हैं। वीडियो बनाने के चक्कर में बैठ गई है। पापा को दिखाएंगे ना कैसा एक्सप्रेशन दिया माओ ने। ठंडा है। थोड़ा निशान लगाऊंगा अभी और कल करूंगा फिर मैं। कल लेके आना जी इसको जल्दी से, बढ़िया फर्स्ट क्लास बढ़िया काम कर दूंगा इसका। ठीक है, अभी तो मैंने करा कहा है, ये मेरे हाथ में है, ये रहा। अभी कहाँ करा है मेरे? दर्द तो नहीं हुई ना माँ को? बस बस बस, हो भी गया मेरा बच्चा। दर्द खत्म नहीं हुआ है पर माओ को आइसक्रीम अच्छी लग रही है। माओ आइसक्रीम अच्छी लग रही है ना? बहुत दिनों बाद हमने कांच की बोतल में कोल्ड ड्रिंक पी है। हम माओ के कहने पे पियर्सिंग कराने गए हैं पर माओ को बहुत रोना आया भाई। गंगा जी बहुत बह के चल रही है, इसका मतलब पहाड़ों पे बारिश हो रही है। अभी हम जाके संदीप से डांट खाएंगे क्योंकि संदीप को पता नहीं है कि माओ के ईयर पियर्सिंग हमने करा ली है। अभी तो संदीप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शाम हो चुकी है, बच्चों का साइकिल चलाने का मन कर रहा है और पीछे से इतना ब्यूटीफुल सा मून भी आ गया है। अब बच्चे फिर से बोल रहे हैं कि चलो नहर पे चलो, वहाँ जाके साइकिलिंग करके आएंगे। ये दोनों भी बड़े चंट निकले, खुद ही साइकिल लेके चल दिए जिससे कि मम्मा अपने आप ही आएगी इनके पीछे पीछे। इस वक्त जो जंगल में आवाजें आ रही है ना वो इतनी प्यारी लग रही है। है ना, सुनसान रोड है और दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है। माँ गई है अटक, उससे साइकिल ऊपर चढ़ नहीं रही है तो मम्मा जा रही है उसकी साइकिल ऊपर चढ़वाने के लिए। देखो मम्मा और माँ कैसे ओहो साइकिल चढ़ाते हुए ऊपर जा रही है। वाओ हैं, पापा तो मम्मा को नजर आ नहीं रहे। पीछे देखो मम्मा को नहीं नजर आ रहे। पीछे संदीप चले आ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि मेरे बच्चों को कहाँ ले गए अंधेरे में। संदीप अभी मेरे लिए नहीं बच्चों के लिए आए हैं कि मैं इनको सेफली साइकिलिंग करा कर आऊंगा। जब मैं कह रही थी चलो वॉक पे चलते हैं तब नहीं आए। इतनी मस्त शाम है, रोमांटिक वॉक ही हो जाती। आज तो संदीप को माओ की एयर पियर्सिंग का शौक लगा हुआ है पर चलो मैंने तो अकेले ही वॉक कर ली। अभी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हाँ मम्मा भी हमारे साथ है, इन्हें सिर्फ पापा नजर आ रहे हैं। वैसे पापा के होने से ना बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल का हो जाता है। चल दिए हम घर की तरफ वापस। सबसे आगे संदीप और मिकू जा रहे हैं दौड़ते हुए। माओ लगी हुई है मेहनत करने में। घर के पास गए हम पहुंच। आज खाने में मैंने पहली बार बनाई है पाव भाजी। अब ये सब कह रहे हैं कि अच्छी बनी है तो इसका मतलब ठीक ही बनी होगी। अब अपने मुंह से तो अपनी तारीफ नहीं हो सकती है। इसी के साथ हम ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।